गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 28 अप्रैल 2024 संडे एंड आई एम होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स जो फ्राइडे को क्लोज दिया है वो है आपका 106.09। जो वीकली एक्टिविटी है, वीकली एक्टिविटी में डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ है वो है एक डोजी कैंडल। एक डोजी कैंडल मींस इट्स अ पॉज। ये पॉज के बाद ये बंदा किधर जाता है वो हमें देखना है। उसको देखने के लिए एक नजर मंथली में आते हैं। मंथली जो चार्ट है आप अगर देखोगे एक रेंज के अंदर में है, ऑन द हायर साइड 107 से 107.50 एंड ऑन द लोअर साइड 101 से 101.50। इस रेंज के अंदर में काफी समय से रुका हुआ है। ये हो गया मंथली। अगर हम RSI टर्म्स में देखेंगे, RSI विद इन 40-60 रेंज में काफी समय से भी सिमिलरली साइडवेज बिहेव करने का इंडिकेट कर रहे हैं। अभी मंथली जो RSI है इट इज अप्रोचिंग 60 एट 57.14। दैट बीइंग द केस यहाँ पे देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज है कि ये 60 के नजदीक रेजिस्टेंस लेके वापस हल्का सा सॉफ्ट हो, डायरेक्टली नीचे की तरफ नहीं। दैट मींस ये ऊपर साइड में 107.50 इज एक्सपेक्टेड टू बी ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज फार एज द मंथली चार्ट इज कंसर्न्ड। वीकली में हम देखेंगे द RSI इज अबोव 60 एट 62.63। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल होना है। क्या केयरफुल होना है? यही कि ये जो RSI है ये फर्दर ऊपर की तरफ मोड़ना चालू ना हो जाए। अगर ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा इन सच ए केस, यानी मुड़ेगा कैसे, ये जो डोजी कैंडल है वीकली का, इस डोजी बैक टू बैक दो डोजी है। सो ये दोनों डोजी का हाई, दैट मींस आपका ये हो गया दोनों डोजी का हाई व्हिच इज योर 106.51। इसके ऊपर यानी 106.5055 के ऊपर वीकली पर्सपेक्टिव में हल्का सा बुलिशनेस हम देखेंगे। क्यों हल्का सा बोल रहा हूं? RSI इज स्ट्रांग बट डिस्पाइट इट आई एम टेलिंग हल्का सा, बिकॉज इमीडिएटली 107.50 पे एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया छुपा हुआ है। अगर हम इसको डेली चार्ट में देखेंगे, डेली में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेट इट टू कम आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन। अभी आते हैं GBP डॉलर। GBP डॉलर का जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2488। ये भी आपका पिछले हफ्ते का जो प्राइस एक्शन है कंपैरेटिव मींस एक बुलिश स्ट्रांग बुलिश कैंडल फॉर्म किया हुआ है। इट टुक सपोर्ट एट RSI 40, करंटली इट इज एट 46.1811। एक नजर मंथली में देख लेते हैं। मंथली में अगर देखेंगे तो पिक्चर कंपैरेटिवली क्लियर है। प्राइस देखो आप जून 2021 में इट वाज एट 1.4250 एंड आपका सितंबर 22 में ये लो ट्रेड किया था आपका 1.0356 एंड क्लोज्ड एट 1.1156। सो दिस बिकम्स द मंथली स्विंग हाई एंड दिस बिकम्स द मंथली स्विंग लो। एंड उसके बाद प्राइस क्या किया, मिड ऑलमोस्ट 50% तक रिट्रेस करके अभी साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ये साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अगर इस बंदे को यानी इस करेंसी प्यार को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक आपका बॉक्स है। ये बॉक्स के ऊपर जाना है मंथली पर्सपेक्टिव में, यानी काफी समय हाथ में है, इमीडिएटली नहीं होने वाला है। जब तक ये आइदर ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट करता है या ऑन द लोअर साइड ब्रेक डाउन करता है। लोअर साइड में है आपका 1.20 एंड हायर साइड में है आपका 1.3150। ए साइड मंथली पर्सपेक्टिव में जब तक ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक ए साइड में चौपी बिहेवियर करता रहेगा। अगर हमारा ये एक नजर वीकली वाला देखेंगे तो वीकली में क्या हुआ है, ये भी आपका RSI 40 में सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है। सो ऊपर में जो रेजिस्टेंस हो सकता है 1.28 से 1.2860 का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, नीचे की तरफ 1.2050 से 1.2150 का एक सपोर्ट हो सकते हैं। अभी आते हैं GBP INR। GBP INR सिमिलरली जो वीकली क्लोज दिया हुआ है आपका वो है आपका एट 104.16। RSI took support at 40 एंड इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट लेके
कंसोलिडेट खुद को करने का प्रयास कर रहे हैं। एक नजर मंथली में आते हैं, मंथली में क्या है, जो पिक्चर है वो थोड़ा सा जीबीपी डॉलर से डिफरेंट है। जीबीपी डॉलर में एक 1.42 एंड 1.11 का एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाया था, व्हेयर इज इन जीबीपी डॉल जीबीपी आईएनआर इट इज एट दिस हाई के नजदीक रेजिस्टेंस के सामने टाइम पास कर रहा है। ये हो गया आपका मंथली पर्सपेक्टिव में। ये बेसिकली रिपीटेडली बेसिकली एंड आल्सो रिपीटेडली मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस एरिया पे आने के बाद देयर शुड बी ए शार्प रिवर्सल टुवर्ड्स द मीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो शार्प रिवर्सल करके नीचे की तरफ आया, यहाँ पे देखो शार्प रिवर्सल करके नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। तो मंथली पर्सपेक्टिव में एक कॉन्सर्न है, क्या ये जीबीपी आईएनआर रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा। ये हो गया, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होने वाला, इसके लिए वी नीड ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी अगर हम जीबीपी डॉलर वर्सेस जीबीपी आईएनआर का कंपेयर करेंगे, जीबीपी डॉलर ऑलमोस्ट मीन्स ये जो स्विंग हाई है उससे मीन्स ये जो रेंज बनाया हुआ है उसका लेस देन 50% के नीचे, 50% के नीचे ये कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाइल इज जीबीपी आईएनआर जो है रेजिस्टेंस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। व्हाट इट इंडिकेट्स यानी ये अगर ऊपर जाएगा तो किसके कारण, जीबीपी आईएनआर अगर मंथली रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना है तो क्या करेगा। That means GBP dollar तो comparatively काफी weak है, इसको अगर resistance तोड़ना है तो काफी momentum करना पड़ेगा from the low, ये वाला। And suppose हम एक discussion purpose में ये assume कर लेते हैं कि GBP INR इस resistance को तोड़ के 107.50 का resistance को तोड़ के ऊपर चला जाता है, इन सच ए केस क्या scenario हो सकता है आप बताओ। जीबीपी डॉलर तो काफी कंपैरेटिवली काफी वीक है, दैट मींस देयर मे बी सम प्रेशर ऑन डॉलर रुपी। क्या थ्योरी हमने लगाया, ये हमने ये नहीं बोलना चाहता हूं कि डॉलर रुपी फर्दर वीक हो जाएगा, लेकिन इस जीबीपी आईएनआर करेंसी पेयर को हम अगर देखने का प्रयास करेंगे एंड एज्यूम करते हैं फॉर लॉजिकल डिस्कशन पर्पस कि ये 1.07-1.0750 के ऊपर क्लोज देते हैं, इन सच ए केस व्हिच पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू बी इंपैक्टेड मोर इज डॉलर रुपी। अच्छा जो भी हो, तो वीकली में ये आपका सपोर्ट 40 में सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके हल्का सा ऊपर जाने का प्रयास करें, दैट बीइंग द केस यहां पे थोड़ा सा वीकली पर्सपेक्टिव में साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। एंड डेली में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर जाना है अगर जीबीपी आईएनआर को अपवर्ड जर्नी तय करना है। अभी आते हैं आपका यूरो डॉलर, यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है 1.0690, इट इज टेकिंग सपोर्ट एट 40 एंड कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ये बेस आउट फॉर ए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में बेस आउट करके थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हल्का सा हायर टेरिटरी में मॉडरेट ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। अभी आते हैं मंथली, मंथली में अगर हम देखेंगे क्या देखेंगे, आपका यहाँ पे एक आपका स्विंग हाई है एंड यहाँ पे एक स्विंग लो है, एंड यहाँ पे ये मींस ये डाउनवर्ड जर्नी करने के बाद ये मीन्स ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस करके ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट के बाद ये कंसोलिडेशन यानी ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस मंथली पर्सपेक्टिव में एंड नीचे की तरफ ये सपोर्ट ऑन मंथली पर्सपेक्टिव। अभी ये मंथली चार्ट क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे एक बॉक्स देखो, इसको अगर यूरो यूएसडी को ऊपर जाना है तो ये हायर रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1.11 के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। एट द मोमेंट इट इज काफी दूर है, बट इट्स मंथली पर्सपेक्टिव, सो लॉन्गर होराइजन के बाद हम कर रहे हैं। और नीचे की तरफ 1.05 के नीचे अगर नीचे आना है तो 1.05 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा। ये हो गया आपका यूरो डॉलर मंथली एंड वीकली। अगर हम डेली में छोटा रेंज के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर
जाना पड़ेगा अगर यूरो डॉलर का अपवर्ड जर्नी तय करना है। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड, एक सपोर्ट जोन था जो सपोर्ट जोन को तोड़ा आपका कब के दिन में, 12 अप्रैल को सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया कंसोलिडेट करके। अभी दोबारा रेजिस्टेंस को, पहले जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को, नाउ इट इज ए रेजिस्टेंस जोन। अभी हमें डेली पर्सपेक्टिव में ये देखना है कि क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे स्विंग लो को चैलेंज करता है, स्विंग लो 1.06 का चैलेंज करता है, एंड क्या ये नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो ये है कि ये यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जाए, यानी डेली पर्सपेक्टिव में हमें देखना है कि ये बंदा यूरो डॉलर किधर के जर्नी कर रहे हैं। अभी यूरो आयनर देखेंगे, यूरो आयनर वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो एट 89.18, आरएसआई टेकिंग सपोर्ट एट 60। अगर हम मंथली को एक बार एक नजर देखेंगे तो ये सिमिलर टू जीबीपी आईएनआर, ये रेजिस्टेंस जोन के नजदीक में है, यानी आने वाले दिनों में अगर इसको ऊपर जाना है मंथली पर्सपेक्टिव में। यूरो डॉलर काफी नीचे है, यूरो डॉलर आप मंथली देखो कितना स्विंग हाई से कितना नीचे है, दैट मींस यूरो आईएनआर को अगर ऊपर जाना है, और प्लस क्यों जाना है क्योंकि ये शार्प रिवर्सल नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस एरिया के नजदीक घूम रहा है, दैट मींस ये अगर ऊपर जाने के लिए अपना एनर्जी तैयार कर रहा है, अगर इसको ऊपर जाना है इन सच ए केस, मींस क्या कंपोनेंट जाएगा, यूरो डॉलर तो इतना तेजी में नहीं है, तो आई थिंक डॉलर रुपये में मंथली पर्सपेक्टिव में आने वाले समय में एक मीन्स ऊपर जाने का तैयारी चल रहे हैं। अभी आते हैं डॉलर येन, डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 158.23। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस को 152 को अगर तोड़ेगा तो हमारा इमीडिएट टारगेट है 1.164 का डॉलर येन में, एंड प्राइस उधर ही मार्च कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब तक बीओजे का स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ इंजेक्शन नहीं आते हैं, बाय डिप्स में भी कंसीडर, बाय अगर करोगी तो अपना स्टॉप लॉसेस को अच्छी तरह से पकड़ के रखना पड़ेगा। जेपीवाई आईएनआर सिमिलरली हमारा जो टारगेट है 0.5050 की तरफ, एंड उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, यानी जेपीवाई आईएनआर में सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर। डॉलर कैंडी में जो वीकली प्राइस है वो कंसोलिडेट कर रहा है, वीकली पर्सपेक्टिव में ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मींस ये साइडवेज इस जोन के अंदर में साइडवेज बिहेव के लिए, मींस अब साइडवेज बिहेवियर में ही रहेगा, ज्यादा कुछ अपवर्ड डाउनवर्ड का एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर हम ऑसी डॉलर को देखेंगे, ऑसी डॉलर 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, दैट मींस द केस यहां पे हमारा एक जो डेली पर्सपेक्टिव में एक रेंज बना था रेक्टेंगुलर रेंज, इसमें ब्रेकआउट किया आपका 12th ऑफ अप्रैल को, नीचे की तरफ आया एंड वापस ये रेंज के अंदर में चला आया। दिस इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, एंड फॉल्स ब्रेकडाउन का एक थ्योरी है कि देयर वी एक्सपेक्ट द अदर साइड ऑफ द रेंज इन नियर टर्म, दैट मींस जी ऑसी डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टुवर्ड्स 0.6650 0.6680 मीन्स काफी जल्दी आना है। एक एक्सेप्शन है कि ये दोबारा ये नीचे के तरफ सपोर्ट को तोड़ के नीचे ना आ जाए, दिस इज द एक्सेप्शंस। सीएनएच आपका वीकली जो क्लोज दिया हुआ है वो आपका 7.2595, ये एक फ्लैग पैटर्न्स बना रहा है नियर द रेजिस्टेंस लेवल, या 7.29 इज ए strong resistance area, क्योंकि यहीं से एक sharp fall आया था, whatever may be the reason, PBOC ने जो भी किया आपका 13th November 2023 को, तो जो भी किया इस range को दोबारा challenge कर रहा है, ये अगर 7.29 के ऊपर sustain करते हैं तो dollar रुपये में एक बहुत ज्यादा upward pressure आने का प्रयास कर रहे हैं, यानी till now हमने तीन जगह पे डॉलर रुपी प्रेशर आने का एक्सपेक्टेशंस देख रहे थे, एक है जीबीपी आईएनआर के कारण से, अगर जीबीपी आईएनआर ये 106.70 के ऊपर चले जाते हैं, 107.50 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो डॉलर रुपी में एक प्रेशर आएगा। सिमिलरली यूरो आईएनआर में भी अगर ये मंथली रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर चले जाते हैं तो भी रुपी में एक प्रेशर आ सकता है, एंड सीएनएच में भी एक प्रेशर आने का इंडिकेशन है, यानी आने वाले दिनों में अगर कुछ मीन्स रूपी नेगेटिव एक्टिविटीज एक प्रयास लग सकता है, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि लगेगा, बट
प्रोबेबिलिटी से। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 89.23। आपको याद होगा यहाँ पे हम एक एम पैटर्न का एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। अभी देखो यहाँ पे आरएसआई क्या किया, अबव 60 गया, नीचे आया, अभी दोबारा ये 60 के पास रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है। इन दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अगर ये जो ग्रीन कैंडल, करंट वीक का जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स का, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ब्रेंट क्रूड में एक शार्प सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए इसका लो दैट मींस ब्रेंट क्रूड फ्यूचर का 85.90 का नीचे एक शार्प डाउनवर्ड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टुवर्ड्स 81, सेकंड टुवर्ड्स यू 78 एंड थर्ड टुवर्ड्स 75-76। लेकिन उसके लिए हमें इस टाइप का एक एम पैटर्न चाहिए। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 4.667। यहाँ पे एक ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस था, ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, आरएसआई अबव 60, सो व्हिच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, एंड आल्सो द कंसोलिडेशन, द प्राइस कंसोलिडेशन दैट यूएस 10 ईयर ट्रेजरी कर रहे हैं एट रेजिस्टेंस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। So, ऐसा ना हो, ये एक ऐसा ना हो का मतलब क्या है कि ये अपना पावर जेनरेट करने का प्रयास कर रहे तो ब्रेक अबोव द रेजिस्टेंस जोन। सिमिलरली यूएस टू ईयर ट्रेजरी आपका 5% पे क्लोज दिया हुआ है, इमीडिएटली एक 5.10 का एक रेजिस्टेंस है आरएसआई एट 60.38। अभी यहाँ पे क्या है, एक डू और डाई वाला सिचुएशन है, क्या ये आरएसआई 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ आएगा, इन सच केस गुड फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी, और क्या ये रेजिस्टेंस को तोड़ के क्लियरली ऊपर के तरफ आरएसआई जाएगा, इन सच केस ये जो रेजिस्टेंस है 5.10 इसको तोड़ फोड़ के ऊपर के तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अभी आरएसआई टर्म्स में किधर करेगा, प्राइस के हिसाब से क्या ये ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करेगा या रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ आएगा, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व। अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 83.37। यहाँ पे जो प्राइस एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, अगर हम डेली चार्ट पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो डेली में एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये बॉक्स का दो एनालिसिस हम करेंगे, पहला वाला अगर इसको नीचे जाना है, डॉलर रुपी को एप्रिशिएट यानी रुपी को अगर एप्रिशिएट करना है तो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज देना पड़ेगा, दैट मींस 83.20 83.22 के नीचे वीकली डेली क्लोज देना, स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा एंड फॉलो थ्रू चाहिए। इन सच केस डॉलर रुपी में हल्का सा एप्रिसिएशन में भी टुवर्ड्स 83.05 हो सकता है, और अगर ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ क्या है 83.40 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं, इन सच केस दोबारा ये 83.50 83.70 के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टच करने का प्रयास कर सकते हैं। सो जब तक इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ तो ये रेंज नीचे की तरफ 82-83 ऑन द लोअर साइड एंड ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 83.50 एंड 83.70, ये हमारा एक प्रोबेबल नहीं, अब मींस सबको पता है रुपी इसी रेंज में रहेगा जब तक इनविजिबल हैंड्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ। लेकिन जो मैं जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, डॉलर सीएनएच के बारे में बोल रहा था, रुपी का जो मंथली टाइम कंसोलिडेशन एट द रेजिस्टेंस लेवल इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। टाइम कंसोलिडेशन एट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इट इज ट्राइंग टू गैदर मोमेंटम, ट्राइंग टू गैदर एनर्जी टू ब्रेक अबव दैट वन। सो आने वाले महीनों में, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही होगा मंडे, नो, आने वाले महीनों में, मे बी 3 months, मे बी 6 months, मे बी 9 months, अंडरलाइन रूपी में थोड़ा सा प्रेशर आने का प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑल्सो, बाय बाय।